हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यशवंत सिंह ने चुनावों में करारी हार पर बीजेपी को सिखाए यह सबक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तीन राज्यों की सत्ता से बेदखल हो जाना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इन चुनाव परिणामों पर बीजेपी में लंबे समय तक रहे दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टिप्पणी की है। उन्होंने ndtv.com पर लिखे ब्लॉग में बीजेपी को चुनावों में हार को लेकर सबक सिखाए हैं। यशवंत सिंह ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पांच राज्यों में बीजेपी के खिलाफ परिणाम आए, खास तौर पर तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में। उन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह स्थिति बन गई जहां बीजेपी का मजबूत आधार रहा है और जहां कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेताओं ने वर्षों मेहनत करके पार्टी के लिए जमीन तैयार की। सन 2013 में पर्याप्त सीटों की संख्या को लेकर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। ये गूंजते रहने वाली हार है। दूसरी बात, एग्जिट पोल के अनुमान एक बार फिर हमेशा की तरह खरे नहीं उतरे। सबसे पहले तो यह आकलन अन्य देशों में होने वाले एग्जिट पोल की तरह वैज्ञानिक नहीं है और फिर वे सत्तारूढ़ पार्टी से प्रभावित आंकड़ों के साथ भी आते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक चुनावों में सार्वजनिक सभाओं में भाषण का स्तर नई गिरावट को छू रहा है और प्रधानमंत्री इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इस चुनाव में और पहले के चुनावों में भी उन्होंने किसी तरह के मुद्दों को उठाया, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसा व्यवहार कर सकता है? वाजपेयी ने तो उत्तेजना पैदा करने वाले हालात में भी कभी ऐसा नहीं किया। बीजेपी यह नहीं कर सकती कि कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसके जवाब देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य था। देश के प्रधानमंत्री की तुलना इन नेताओं से नहीं की जा सकती। चौथी बात, चाहे योगी फैक्टर हो या हिंदू कार्ड, मतदाताओं पर यह असर डालने में नाकामयाब रहे। योगी आदित्यनाथ को अब यूपी में खुद का गढ़ बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पांचवी बात, प्रधानमंत्री द्वारा गढ़ गया कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जमीन स्तरी पर धराशायी हो गया है। यह बात शुरू से ही मुक्तापूर्ण थी। मैं हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आलोचना करता रहा हूँ। जब मोदी गुजरात में सत्ता का आनंद ले रहे थे तब मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस से लड़ रहा था, लेकिन आप लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी को कैसे हटा सकते हैं, खासतौर पर संसदीय लोकतंत्र में। यहाँ पर मोदी और शाह दोनों पूरी तरह से गलत थे और जनता ने इन चुनावों के जरिए उन्हें सबक सिखा दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय पटल पर हुंकार भरते हुए उभरे हैं। अब लोग उन्हें भविष्य में पप्पू कहकर बुलाने का जोखिम नहीं करेंगे। अखिलेश ने योगी से क्यों कहा, सभी भगवानों की जाति बता दें, हमारा काम आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत पर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनसे सपा को ही फायदा है, वे भगवानों की जाति बताते हैं। अच्छा होता कुछ और भगवानों की जाति बता देते, इससे हमारा काम आसान हो जाता, हम अपनी जाति की भगवान से ही कुछ मांग लेते, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि देश भाजपा को जवाब दे रहा है, GTC और नोटबंदी का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। कहा कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दिया है, इसका पत्र भेजा गया था। जीत के लिए राहुल गांधी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं उसे पूरा करे। सबसे बड़ा वादा किसानों की कर्ज माफी का है, उम्मीद है कि कांग्रेस यह वादा पूरा करेगी। एक सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, हम एक सीट पर ही आ जाते थे, फिर भी वहां की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारे मुद्दों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अन्य दलों को नुकसान ना हो इसलिए सपा वही चुनाव लड़ी जहां संगठन सक्रिय था। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा
कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से संगठन नहीं था, हमने उनका समर्थन किया है। हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं, विकास की राजनीति कहते हैं और किसानों नौजवानी के साथ हैं। 5 राज्यों में चुनाव से फुर्सत पाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने 18 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों को बैठक बुलाई है। इसमें पिछड़ों का समीकरण साधने की राजनीति तय करने के साथ ही बूथ स्तरीय तैयारियों की भी सीमाएं की जाएंगी। प्रदेश में गठबंधन की संभावनाओं के बीच ही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई ढील नहीं देना चाहती है। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा शुरू किया है। बुधवार को उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की समीक्षा की और गुरुवार को पूर्वांचल में पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की शिकस्त के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ गया है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार 18 दिसंबर को होने वाली बैठक में चुनावी नजरिए से श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को अंतिम रूप से दिया जा सकता है। इस क्रम में बड़े नेताओं के दौरे भी बढ़ाएंगे। बूथ स्तरीय समितियों को पार्टी पहले ही खड़ा कर चुकी है। उन्होंने प्रस्तावित गठबंधन की स्थिति में किसी तरह अन्य दलों से नियोजन रखना है, इस बारे में भी निर्देशित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन देंगे, राजस्थान में भी साथ, मायावती। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीएसपी मुख्य मायावती ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीएसपी के 2 विधायक जीते हैं और वहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 2 विधायक की ही जरूरत है। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। उधर अखिलेश ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन देने की पेशकश कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीएसपी ने कांग्रेस के संभावित गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्पष्ट किया कि कांग्रेस से विचारधारा मेल न खाने के बावजूद वह बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन दे सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजस्थान में भी जरूरत हुई तो वह अपने विधायकों को कांग्रेस को समर्थन देने के लिए कहेंगी। मायावती ने कहा, जैसा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी भी सरकार बनाने में जुटी है, चूंकि बीजेपी को रोकना ही हमारी प्राथमिकता है, इसलिए उसे सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस से विचारों में सहमति ना होने के बावजूद हमने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। यही नहीं, अगर राजस्थान में भी जरूरत हुई तो हम वहां भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। बता दें कि मंगलवार को नतीजे आने के बाद कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बहुमत मिलने के बाद भी सभी गैर बीजेपी दलों को साथ आने को कहा था। मायावती ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे सहयोगी अजीत जोगी जी के एक बयान के चलते हमारे सारे वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए, जबकि वो गो वोट गठबंधन के खाते में जा सकते थे। बाद में उन्होंने सफाई दी, हालांकि अजीत जोगी ने उसे सभी पार्टियों के संदर्भ में कहा था, लेकिन मीडिया ने उसे ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ बीजेपी के खिलाफ दिखाया। फिर जनता तो जनता ही है, एक बार बहक गई तो लाइन पर जल्दी नहीं आती है, इसका फायदा कांग्रेस ने उठा लिया है। मायावती ने बीजेपी की गलती नीतियां और गलत प्रणाली से जनता त्रस्त हो गई थी, इसलिए दिल में पत्थर रखकर तीनों राज्यों की जनता ने ना चाहते हुए भी वहां पूर्व में रहे कांग्रेस को अपना विकल्प समझकर वोट दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में भी इसे बुनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, हालांकि हमारी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया, फिर भी ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सके हैं और परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आए हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मायावती को समर्थन देने के लिए आभार जताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, आदरणीय बहन जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कांग्रेस ने सदैव तृणीय बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम जी के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है। मायावती ने गिनाई कांग्रेस की गलतियां, फिर भी किया समर्थन का ऐलान, बोली बीजेपी को है रोकना। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मायावती का कहना है
कि वह भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी गलत नीतियों के कारण हार का सामना करना पड़ रहा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस ने ना चाहते हुए भी कांग्रेस को जिताया है। भाजपा को अपनी गलत नीतियों के कारण इन विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस इस जीत को आगामी लोकसभा चुनाव में भी बुराने की पूरी कोशिश करेगी। चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनता गुस्से में थी। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें कांग्रेस को जिताना पड़ा। जनता ने दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस को जिताया है। बसपा ने कांग्रेस और भाजपा को विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी, लेकिन हम ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। पूरी स्थिति को देखते हुए हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो राजस्थान में भी हम कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर मायावती ने दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देखिए, कांग्रेस के शासन में दलितों की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई, जो भाजपा के राज में भी कम हुई। दलितों की अनदेखी हुई, इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक दलितों के साथ अत्याचार कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बसपा ने यह चुनाव भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ा था, लेकिन दुख की बात है कि हमारी पार्टी इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। मुझे यह भी पता चला है कि मध्य प्रदेश में भाजपा अब भी जोड़ तोड़ में जुड़ी हुई है, इसलिए भाजपा को रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की नीतियों के साथ समर्थन ना जाते हुए भी मध्य प्रदेश में उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। इसका मकसद भाजपा को रोकना है। यही राजस्थान में भी भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का अवसर आता है तो बसपा इस पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी तीन राज्यों में मिली जीत से भले ही उत्साहित हो, लेकिन वो दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है, इसलिए अब उसके सामने सरकार बनाने की चुनौती आ गई है। अब उसे एक किमंगल की जरूरत है, जिसकी भूमिका मध्य प्रदेश में बसपा सपा और राजस्थान में निंदनीय निभाने जा रहे हैं। सत्ता की चाबी इनके हाथ में नहीं है और कांग्रेस को इन्हीं के हाथ से मिलना होगा। कांग्रेस को माया अखिलेश के समर्थन से 2019 के लिए विपक्षी गठबंधन की तस्वीर साफ। कांग्रेस को तीन बड़े हिंदी भाषी राज्यों में मिली चुनावी जीत के 24 घंटे के भीतर ही 2019 के विपक्षी गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश व राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर विपक्षी एकता की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ कर दी है। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई को अब नए उत्साह से ठोस पायदान पर देने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि सपा बसपा विपक्षी दलों की एकजुटता का अहम हिस्सा रहेगी। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार तीनों राज्यों में सरकार का गठन होने के बाद पीएम मोदी की भाजपा एनडीए को 2019 के चुनाव में चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की बैठक होगी। लोकसभा के फाइनल के लिए यह विपक्षी दलों की सबसे अहम बैठक होगी, क्योंकि इसमें गठबंधन के राष्ट्रीय स्वरूप के साथ साथ राज्यों के स्तर पर पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल पर चर्चा की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में माया और अखिलेश के समर्थन देने के खुद ऐलान करने को कांग्रेस गठबंधन को लेकर दोनों के सकारात्मक रुख को स्पष्ट संकेत मान रही। पार्टी के राजनीतिकार ने कहा कि चुनाव नतीजे आने से पहले 21 पार्टियों की बैठक में चंद्रबाबू नायडू के प्रयासों के बावजूद बसपा और सपा इसमें शामिल नहीं हुई थी, इसलिए विपक्षी एकजुटता में इनकी भूमिका को लेकर संशय के सवाल उठाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि 2019 के संग्राम में विपक्षी एकता की मुख्य धुरी कांग्रेस ही होगी, तो इन दोनों दलों के लिए भी ज़्यादा विकल्प नहीं है। सपा की राजनीति का प्रमुख आधार बसपा का विरोध है, तो बसपा प्रमुख ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि भाजपा के खिलाफ वह मध्य प्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन दे रही है।
राहुल गांधी ने भी चुनावी जीत के बाद मीडिया से मुताबिक होकर कहा कि सपा बसपा भाजपा के खिलाफ है, उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है और पक्के तौर पर विपक्षी दल साथ आएंगे। भाजपा के मजबूत आधार वाले तीन बड़े राज्यों में जीत के बावजूद 2019 में सत्ता रियासत की सबसे बड़ी जंग उत्तर प्रदेश में ही होनी है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का मानना है कि पीएम मोदी की सत्ता की राह रोकने की असली कुंजी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस का महागठबंधन होगा। इस महागठबंधन की स्थिति में उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से 63 सीट जीतने वाली भाजपा को बड़ा नुकसान लगभग तय है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की 35 लोकसभा सीटों में पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली भाजपा को ताज़ा चुनाव नतीजे के हिसाब से करीब 40 सीटों के नुकसान का अनुमान है। विपक्षी दलों के साथ समन्वय से जुड़े कांग्रेस के एक राजनीतिकार के अनुसार दक्षिण में भाजपा के एकमात्र गुण कर्नाटक में भी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के कारण भाजपा के लिए सिर्फ 28 लोकसभा सीटों में दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनएसपी, बिहार में भी कांग्रेस राजद के गठबंधन में एनडीए से अलग हुए रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा का आना लगभग तय है। इस लिहाज में कांग्रेस 2019 की लड़ाई में विपक्षी एकता को सबसे अहम मान इसे सर चढ़ाने में ज़्यादा देरी नहीं दिखाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि खुद राहुल गांधी ने मंगलवार को साफ कर दिया कि विपक्षी दलों का साथ आना पक्का है, तो फिर विपक्षी एकजुटता में संदेह की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।